नमस्कार जय श्री कृष्णा मैं राकेश पाठक शिवानी अश्रो चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद बीच में ये रहा है लघु पाराशरी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं जो कि जिसे कहना चाहिए कि ज्योतिष का सार है लेकिन आज स्पेशल वीडियो में एक बनाने की कोशिश मैंने की और खुद अनाललाइज भी किया इस चीज को कि श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था जिसमें रावण की हार हुई रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ कैसे और क्या ऐसे रीजंस थे ये तो हम लोग सब जानते हैं रामायण हमने बहुत देखा है पढ़ा है सुना है ये हम सब लोग जानते हैं तो इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है हाँ एक बार हम इनकी कुंडली जरूर देख सकते हैं श्री राम की कुंडली और रावण की कुंडली कैसी कुंडली है क्या उनकी कुंडली में ऐसा योग बना या नहीं बना तो देख लेते हैं समय वेस्ट ना करते हुए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय रहेगा हमारे लिए जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि उसकी हार के प्रमुख कारण क्या थे अगर रावण की कुंडली आप देखें तो इसमें आप देखेंगे कि सूर्य पहले भाव में बैठा है मेष राशि में उच्च का बैठा है शनि सातवें भाव में बैठा है तुला राशि में उच्च का बैठा है जुपिटर चौथे भाव में बैठा है चार नंबर राशि में कर्क में उच्च का बैठा है मंगल दसवें भाव में बैठा है मकर राशि में उच्च का बैठा है शुक्र बारहवें भाव में बैठा है मीन राशि में वो भी उच्च का बैठा है तो पांच ग्रह उच्च के बैठे हैं तो ऐसा विद्वान ऐसा पंडित जिसके पांच ग्रह उच्च के बैठे हों और उसके ऊपर से भगवान शिव का वो परम भक्त हो तो हार के कारण क्या रहे कुंडली कैसे हार दिखाती है या कुंडली को आप मैं आपको एक चीज यहां इसलिए बताने जा रहा हूं कि आप सोच लेते हैं कि हमारे ग्रह जन्म के समय मजबूत हैं तो वो हमेशा हमें रिजल्ट देते रहेंगे लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा अगर आप उन ग्रहों के कारकत्वों के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो ग्रह आपके कमजोर हो जाएंगे और आपको कभी भी प्रॉब्लम दे सकते हैं इसलिए इस पे मत रहिए कि आपके ग्रह एक बार जैसे बैठ गए वो वैसे हो गए वो आपको हमेशा देंगे ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि अगर आप रावण की कुंडली देखें तो रावण के पहले भाव में सूर्य उच्च राशि का तो ऐसा इंसान बहुत यश करने वाला होता है बहुत नाम कमाने वाला होता है स्वास्थ्य बहुत उसका अच्छा होता है लेकिन साथ में अहंकारी भी बन जाता है कि सूर्य पहले भाव में बैठा हो तो क्रोधी और अहंकारी भी बना देता है तो थोड़ा क्रोधी और अहंकारी भी था लेकिन विद्वान बहुत था इसमें कोई डाउट नहीं है उसका चारों तरफ नाम था वेदों का ज्ञात थे सातवें भाव में शनि उच्च का बैठा है इसका मतलब बहुत सुंदर पत्नी उनको मिली वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा था चौथे भाव में बृहस्पति उच्च राशि का बैठा है तो प्रजा का प्रेम मिला लंका का सिंहासन मिला दसवें भाव में मंगल उच्च राशि का बैठा है तो इसका मतलब उनको आप जिसे कहना चाहिए कि हर तरह की सुविधा मिली राजा बने देवताओं को हराया और सब जगह विजय प्राप्त करी शुक्र मीन राशि में उच्च का बैठा है बारहवें भाव में तो बारवा भाव भी उनका उच्च का भाव रहा शांति पूर्ण रूप से शांति शैया अच्छा था तो ये सब होते हुए भी कैसे गड़बड़ हो गई कैसे और ऊपर से भगवान शिव का भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद भी कैसे रावण को हार का सामना करना पड़ा और कैसे उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा तो उसके रीजन ये थे कि जब उनको सीता माता पसंद आई जब वो हम जानते ही हैं सब चीजें सुपंठा वाली बातें और ये सब बातें वो जानते हैं तो जब उनको सीता माता के बारे में मालूम चला और उनको तो उनके मन में ख्याल आया कि उनसे विवाह करना चाहिए या उनको अपने यहाँ महल में लाना चाहिए क्यों क्योंकि सीता माता के बारे में एक बात प्रचलित थी कि जो भी उनसे विवाह करेगा वो किंग एम्पर होगा किंग एम्पर मीन्स राजाओं का राजा होगा तो ये बात भी कहीं थी इसी चीज को ध्यान रखते हुए रावण ने सीता माता का हरण किया अब चूंकि उनकी पत्नी ने उनको बहुत समझाया मंदोदरी जी ने बहुत समझाया कि आप ऐसी हरकत ना करें लेकिन वो नहीं माने तो पत्नी का अपमान भी किया तो पत्नी का अपमान किया तो पत्नी का कारक कौन है शुक्र है यानी शुक्र कमजोर हुआ जो शुक्र उनका उच्च का बैठा हुआ था वो शुक्र कमजोर होना स्टार्ट हो गया क्योंकि पत्नी का अपमान किया उन्होंने उनके भाई ने उन्हें समझाया विभीषण ने उसको भी लात मारकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया या अपने भाई का अपमान किया इसके मतलब मंगल को भी इन्होंने कमजोर कर दिया क्योंकि मंगल भाई छोटे भाई बहनों का कारक होता है तो मंगल कमजोर हो गया उनका उन्होंने शुक्र कमजोर किया मंगल कमजोर किया अपने सभा सदों की बात नहीं मानी अपने नाना की बात नहीं मानी उससे उनका शनि भी कमजोर हुआ तो इस तरीके से मंगल कमजोर शुक्र कमजोर धार्मिक लोग जितने भी होते थे ऋषि मुनि होते थे उनकी बात नहीं सुनते थे उनकी बात नहीं सुनता था वो रावण तो इसलिए अपना गुरु भी कमजोर कर लिया तो इतने अच्छे ग्रह जो उच्च राशि बैठे थे गुरु वीनस सैटन ये सब कमजोर कर लिए अब कमजोर कर लिए तो फिर हराना आसान हो गया अब अगर हम श्री राम की कुंडली देखें श्री राम की कुंडली का कंपेरिजन करें श्री रावण के हिसाब से तो कैसी कुंडली है राम श्री राम और रावण की रावण को अगर कुंडली राम की श्री राम की कुंडली अगर आप देखते हैं तो उसमें चंद जुपिटर बैठा है उच्च की राशि में पहले भाव जो दिखाता है बहुत ज्ञानी है बहुत नामी है और ये हम जानते हैं कि श्री राम जो थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे पूर्ण अवतार थे तो भगवान थे कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है पहले भाव में जुपिटर बैठा हुआ है पहले भाव में तो जुपिटर उनका मजबूत हो गया एक्साइल्टेड हो गया उच्च राशि में हो गया चौथे भाव में शनि बैठा है सात नंबर राशि में वो भी उच्च का का वहां पे हुआ शनि शनि प्रजा कारक भी है आपके काजा काम करने वाला कारक भी है चौथा भाव भी प्रजा को जनता को शो करता है तो जनता का बहुत प्रेम उन्हें मिला मंगल बैठा है सातवें भाव में उच्च राशि में पत्नी का सुख मिला पत्नी प्रेम मिला सूर्य बैठा है दसवें भाव में उच्च राशि में हाँ भी उनको पूरा सम्मान मिला राजाओं के राजा बने शुक्र बैठा है नवे भाव में उच्च राशि तो यहां भी पांच ग्रह उच्च के उधर भी पांच ग्रह उच्च के थे रावण के लेकिन यहां पे कुंडली दोनों की अगर देखो तो आपको ऐसा कोई बहुत अंतर लगता नहीं है वहां भी पांच ग्रह उच्च के हैं रावण की कुंडली में भी श्री राम की कुंडली में भी पांच ग्रह उच्च के हैं श्री राम भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार है तो उधर रावण को भगवान शिव का पूर्ण रूप से वरदान प्राप्त लेकिन फिर क्यों ऐसा हुआ वो इसलिए हुआ कि, जो मैंने कि जब मैंने बातें आपको रावण की कुंडली में बताई कि वनवास लिया तो उनकी बहुत सेवा करी उनका बहुत उनके चरण छूना उनकी बहुत आदर करना उन्होंने किया जिसकी वजह से उन्हें ऋषियों का यानी गुरुओं का आशीर्वाद मिला और उनका गुरु मजबूत हो गया जुपिटर जो था वो और मजबूत हो गया उनका उन्होंने अपने पिता के कहने से चौदह वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया बिना कुछ कहे इससे उनका सूर्य और मजबूत हो गया एक तो उच्च राशि में बैठा था ऊपर से और मजबूत हो गया उन्होंने अपने पत्नी को साथ रखा पत्नी के साथ उसकी बात मानी प्रेम किया इसलिए उनका शुक्र भी उच्च का हो गया शुक्र का था और मजबूत हो गया अपने भाई का प्रेम उनको मिला तो अपने भाई को वो साथ लेके गए श्री लक्ष्मण को तो इससे उनका मंगल भी बहुत स्ट्रांग हो गया उच्च का था और स्ट्रांग हो गया तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने कर्मों से ग्रहों के कारकत्वों के अनुसार अपने ग्रहों को बलि करते हैं या कमजोर करते हैं उस चीज का भी हम लोगों को कुंडली में बहुत ध्यान देना चाहिए तो ये इस तरीके से ग्रह जो श्रीराम भगवान के और बलि हो गए उच्च के थे और और बलि हो गए उससे उनको बहुत फायदा मिला और उन्होंने रावण की रावण को मृत्यु प्रदान की और अच्छाई ने बुराई पर विजय प्राप्त तो कुंडली वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको बताऊं कि आप अभी से ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके कुंडली में जो ग्रह हैं भले ही उच्च के हों लेकिन अगर हमारे कर्म ठीक नहीं हैं या उन ग्रहों के कारकत्वों के हिसाब से हम लोग कर्मों का पालन नहीं करते तो हमारा ग्रह कमजोर भी हो सकता और हमको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते सूर्य हमारा उच्च का है बहुत अच्छा है लेकिन पिता की बात अगर हम नहीं मानते तो सूर्य हमारा कमजोर हो सकता तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा अच्छा वीडियो लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा इसके अलावा हम लोग बहुत जल्दी एडवांस एस्ट्रोलॉजी पे क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं तो जो लोग इंटरेस्टेड हों दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद जय श्री कृष्ण